चलो अच्छा हुआ चेन्नई का बबल खत्म होने जा रहा है, इतना स्लो बोरिंग विकेट, मतलब ओटीटी के जमाने में मुगले आजम कौन देखेगा यार। 150 बनाने में टीम की हालत खराब हो रही है वहां पे, ये पूर पिच है टी20 के लिए। प्लीज, सबसे पहले तो मुगले आजम बहुत अच्छी पिक्चर है, और दूसरी बात टीम्स अलग अलग पिचेस पे खेल रही है, एक तरफ वांखड़े की फ्लैट पिच है तो दूसरी तरफ चेन्नई की स्लो पिच है, हर तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को। देखो मैं, हम आईपीएल पूरे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, पूरे दिन की जो थकान है स्ट्रेस है वो हम शाम 7:30 बजे भूल जाना चाहते हैं। और फिर चेन्नई में टीम को 40 ओवर तक स्ट्रगल करते देखना ऑफिस की मॉर्निंग मीटिंग से भी ज्यादा बोरिंग है, वहाँ कम से कम चॉको चिप बिस्किट और मैजिक मसाला चिप्स तो मिलते हैं, यहाँ कम स्नैक्स खाते हैं आप, कभी कभी तो लगता है स्नैक्स खाने के लिए आईपीएल देखते हैं, नॉट दी अदर वे अराउंड। अरे मेहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, सोचो चकने के साथ धनाधन चौके छक्के भी देखने को मिल जाए तो ही बात बनती है, नहीं तो टेस्ट मैच देख लो क्यों दोस्तों। उस हिसाब से तो आप टूर्नामेंट का पहला मैच देख लो, आरसीबी बनाम मुंबई, लास्ट बॉल पर जीती थी आरसीबी, सबकी सांसें थम गई थी, आपका पनीर आपके हाथ में रह गया था, मुझे बोलना पड़ा था खा भी लो। यार वो एक मैच था मेहा, उसके बाद से एक टेम्पलेट सी बन गई है चेन्नई में, टीम जो चेस कर रही है वो नहीं जीतेगी, ड्यू का भी फैक्टर है। अब जब आपको पता है कि मैच एक टीम के पलड़े में झुका है तो क्या मजा है फिर। पर तभी तो आपको मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की जैसी परफॉर्मेंसेस दिखती हैं, तभी आप रियलाइज करते हो कि वो कितने स्पेशल हैं, वांखड़े में तो हर कोई ऐसी इनिंग्स खेल ले। देखो मैक्सवेल और एबी ने वाकई में बहुत अच्छी बैटिंग करी है चेन्नई में, पर आप आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में चाहते हो कि और भी तो प्लेयर्स बड़े शॉट मारे, बड़े पारियां खेली, और अगर आप पुराने सीजन में देखो तो हर दूसरे मैच में एक या दो बेहतरीन इनिंग्स देखने को मिलती थी, मगर इस बार चेन्नई मैक्सवेल और एबी से शुरू हुई और इन तक खत्म भी हुई। पर जेमी, आई रियली फील कि क्रिकेट ऑलरेडी एक इतना बैट्समैन ड्रिवन गेम है कि अगर आपके पास एक या दो पिचेस ऐसी हैं जहां पे आपके बॉलर्स को मदद मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे We want a good competition between a bowler and a batsman. अरे तो competition मुझे भी तो देखना ना भाई। पर जब पिच इतनी थकेली हो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, ओएन मॉर्गन और जॉनी बेयरस्टो जैसे स्ट्रोक मेकर्स उस पे रन नहीं बना पा रहे तो वो अच्छी पिच नहीं है। पर यही तो एक बड़ा सवाल है कि अगर आप इस पिच पर अपने शॉट्स नहीं खेल सकते हो तो आप अपनी गेम को क्यों नहीं चेंज कर रहे, ऐसा लगता है कि कोई भी अब सिंगल्स और डबल्स नहीं दौड़ना चाहता, इतने सारे बैट्समैन डॉट बॉल के प्रेशर में आकर क्यों आउट हो रहे हैं। क्योंकि वो यहाँ T20 खेलने आए हैं, बड़े शॉट्स खेलने आए हैं, एंटरटेन करने आए हैं, पहले सेशन में गेंद की शाइन निकालने नहीं आए हैं। जब T20 के सबसे बड़े छक्के मारने वाले यूनिवर्स बॉस अपने गेम को बदल के स्लो खेल सकते हैं जैसा हमने देखा मुंबई के खिलाफ, तो दूसरे बैट्समैन क्यों नहीं कर सकते, तभी तो गेल को देखने में मजा आता है क्योंकि उनका दूसरा अवतार है, इट्स गुड टू वॉच। गेल को दूसरे अवतार में देखने की जगह मैं अवतार गेल को ना देख लूं महेश भट्ट की फिल्मों में। क्रिस गेल छक्के मारते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। नहीं, गेल छक्के मारते हुए तो अच्छे लगते ही हैं, पर गेल अगर इस तरह से खेलते हैं पिच के मुताबिक तो और भी अच्छे लगते हैं। मुंबई और चेन्नई के पिचेस को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से वांखड़े की पिच में ज्यादा मजेदार मैचेस हुए, वहां पर संजू सैमसन ने ऑलमोस्ट 222 की चीज खत्म किया, एंटरटेनिंग चीज था। उस पिच पे चेन्नई ने 188 मार के आरआर को 45 रन से हराया, और उसी पिच पे पंजाब और गेल 106 पे निपट गए थे, रसल और कमिंस ने 31/5 के बाद चेन्नई को हिला के रख दिया। इज दैट नॉट मोर एंटरटेनिंग? आई थिंक अ वैरायटी ऑफ पिचेस इज मोर एंटरटेनिंग फॉर अ फैक्ट, और उसमें चेन्नई जैसी पिच भी हो सकती है और मुंबई जैसी पिच भी। आपको खाने में वैरायटी पसंद है कि नहीं, सिर्फ हर दिन पिज्जा तो नहीं खा सकते ना? पिचेस का तो पता नहीं, पर आई एम श्योर कि हर दिन मैं पिज्जा जरूर खा सकता हूँ। रॉन्ग एग्जांपल, चलो पिज्जा हटा दो, आप क्या हर दिन दाल चावल खा सकते हो? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे चेन्नई की दाल चावल पिच नहीं चाहिए, मुझे मुंबई की कहीं और की फ्लैट पिज्जा पिच दे दो। गलत एग्जांपल मेहा, पिज्जा क्यों बोला, क्यों बोला? एनीवे, आपको चेन्नई की पिच भी नहीं मिलेगी, मुंबई की पिच भी नहीं मिलेगी, आपको आज दाल चावल भी मिलेगी और पिज्जा का।